तो अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपके साथ जी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो ये है जी रेसिपी गोंगलू, तो शलजम की, और जी ये इसकी मटर, शलजम और मटर हम जी बनाने लगे हैं आज। ठीक है, तो ये नई रेसिपी है जी, तो बहुत अच्छी बहुत मज़े की बनती है। तो चले गाइस, फिर आपको दिखाते हैं हम। प्याज मैंने काट लिए, ये टमाटर इसमें मैंने रखे हैं। ठीक है, तो जी घी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो अब प्याज इसमें ऐड करेंगे हम। तो ये देख ले जी, प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो ये जी मैंने अभी कुटा था, इसमें दो तीन हरी मिर्ची ऐड की थी अदरक लहसुन के पेस्ट। तो ये देख ले जी, मैंने इसमें नमक मिर्च ऐड कर दी है। नहीं करो नैन्सी, दिखा रही हूँ। तो ये 2 चम्मच जी लाल मिर्चों का पाउडर, तो आज सब्ज़ी खैर से ज़्यादा है इसलिए 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो जी आधा चम्मच हल्दी का, तो आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच सूखे धनिया का पाउडर। ठीक है, तो अभी मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। हेलो गाइस, तो कैसी हो? क्या कर रही थी? नीचे से आई हो? तो जी जैसो अभी उठ के आई है सो के, तो अभी अपने मामा को कह रही थी मुझे एग बना के दो जी, अभी तो सुबह आई है। तो हम इसको कह रहे थे जी शाम हो गई है, तो ये कह रही जी सुबह हो गई है ना। अभी जैसो अंडा खाना था, तो अब क्या सुबह आई? इधर तो देखो। हाँ गाइस देख रहे, देख कैसे जग कर रही। अच्छा छुबा, ठीक है जी, ओके। नैन्सी गीला हो जाएगा ना, धो के मैंने रखा है, इधर सब्जी रख दो। तो ये जी मसाला को मैंने भून लिया अच्छे तरीके से, अब इसमें हम सब्जी ऐड करेंगे। पहले मटर, तो पहले मटर ऐड करेंगे जी। तो नैन्सी को बहुत पसंद है शलजम, गोश के बीच ऐसे भी अच्छे बनेंगे। ले जी सब्जी मैंने इसमें डाल दी है, तो अब इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे। ठीक है, तो पानी नहीं हम इसमें ऐड कर रहे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हल्की आंच पे रख रहे तो इसके अंदर से पानी निकल आएगा। तो चले जी फिर आपको अभी दिखाएंगे। ये देख ले गाइस, तो अभी ये हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये घुल जाएंगे सारे, तो यानी कि इतने सारे भी नहीं, यानी कि थोड़े भी रहेंगे, लेकिन मैं इनको मैश करूँगी। तो ये एक मैंने इसमें डाली है, एक नोर की। ठीक है, चिकन का भी जी जायका आएगा। और अब इसमें हम चीनी भी ऐड करेंगे 2 चम्मच, तो आपको दिखाती हूँ फिर। तो ये देख लीजिए चीनी मैंने ऐड कर दी, और चीनी नीचे चली गई, ये देख लीजिए ये चीनी। ठीक है, अब इसको मिक्स करती हूँ मैं ज़रा। तो देख लीजिए काफ़ी मैंने मैश कर ली है। ठीक है, तो ये इसमें मैंने डाला है ज़ीरे का पाउडर जी। ठीक है जी, तो अभी हरा धनिया और हरी मिर्ची इसमें डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देख लीजिए हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया, बस अब मैं भूनने लगी उसको। तो 2 हरी मिर्च ऐड की हैं। तो ये देख लीजिए नीचे से आई है मेली सवैये। ठीक है, भाभी ने बनाई थी, तो मैंने कहा जी चलिए अब खाते हैं थोड़ी सी टेस्ट कर। देख लीजिए हमारा शलजम और मटर का सालन तैयार हो चुका है। तो जी बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी लग रहा है गाइस, देख लें तो बहुत मज़े का जी बना है। तो आप भी ऐसे जी रेसिपी मेरे तरीके से फॉलो करेंगे तो जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ जी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जी। थैंक यू।